तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में। नॉर्थ इंडिया के लिए यानी कि चंडीगढ़ के लिए दोस्तों कितना रैंक आपको जो है सीजीएल 2024 के अंदर लेकर आना पड़ेगा, इसको दोस्तों मैप के जो है द्वारा समझेंगे कि किसकी कितनी डिमांड है, दिल्ली की कितनी डिमांड है और चंडीगढ़ की कितनी डिमांड है। काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है तो ये मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले कितने रैंक और कट ऑफ तक जो है चंडीगढ़ मिला हुआ है, उसकी क्या कुछ कट ऑफ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं दिल्ली के लिए रैंक कितना लाना पड़ेगा, एएसओ सीएसएस के लिए कितना रैंक लाना पड़ेगा, जयपुर के लिए कितना रैंक, कोलकाता के लिए रैंक, ये दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो जो है बना चुका, कैटेगरी वाइज सारा डाटा आपको बता चुका। इन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जो है किसी भी वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और इस लास्ट वीडियो में दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे चंडीगढ़ जोन के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों लखनऊ वाले भी काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन टॉप में नहीं जा पाए हैं, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से भी कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं, किस वीडियो की डिमांड जो है सबसे ज़्यादा रहती है, तो दोस्तों वही वीडियो जो है आपके लिए बनाई जाएगी, ठीक है। तो चंडीगढ़ के लिए थे दोस्तों, तो इस बार चंडीगढ़ का जो है मैंने बना दिया है। तो उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नियोन क्लासेस की तरफ से ये ईडीएम फ्रेजेस की, जिसके अंदर 3000 ईडीएम फ्रेज हैं, 1100 फ्रेजल वर्ब हैं, 500 होमोनिम, 1000 प्रीपोजिशन और 30 टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। इस बुक का थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद जो हमें जो है आगे हम चलते हैं। तो आप सभी को पता कि एसएससी के एग्जाम में वोकैब की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, तो नियोन क्लासेस की तरफ से वोकैबुलरी बिल्डर व अवतार टू द एडीएम मास्टर के नाम से जो है बुक निकाली है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। थोड़ा सा अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोस्तों कंटेंट हैं, पहले ईडियम्स हैं, फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं, फिर होमोनिम्स हैं, फिर पैरानोम्स, फिर प्रीपोजिशन और एक्सरसाइज भी हैं। तो ये इस तरह से जो है ईडियम्स दे रखे हैं, जैसे एन एप्पल ऑफ आई है, ठीक है। देखो तो कितनी जगह जो है ये पेपर में जो है आया हुआ है, एसएससी के पेपर में हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर समझा रखी हैं, कहीं कहीं चित्र का भी यूज़ कर रखा है जहाँ पर इनको जो है नीड पड़ी, ठीक है। तो आगे और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, फिर इसकी दोस्तों एक्सरसाइज भी दे रखी है, ठीक है, ईडियम्स की जो है एक्सरसाइज भी दे रखी है इस तरह से, नीचे आंसर भी दे रखे हैं, फिर जैसे प्रीपोजिशन वगैरह का भी बता रखा है, जैसे इन है, ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें दे दी, फिर दोस्तों इन टू है, फिर इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश सारी चीज़ें इसके अंदर जो है दे रखी हैं, ठीक है, ऑन है, फिर ये फ्रेजल वर्ब्स की जो है एक्सरसाइज दे रखी है इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये भी सारे के सारे पेपरों में आए हुए हैं। पैरानोम्स की भी दोस्तों एक्सरसाइज जो है दे रखी है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो इनका होता है, ठीक है। तो इनका अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, मतलब हर चीज़ दोस्तों इसके अंदर दे रखी है वोकैब के नाम पे, ठीक है। तो इस बुक को लेने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इसको जो है डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको पता है कि सीजीएल 22, 23 और 24 के अंदर, यानी कि इंस्पेक्टर जिसका बनने का दोस्तों सपना है, यानी कि जो 27 प्लस जिनकी उम्र हो चुकी है, वो तो वैसे ही दोस्तों 42 और 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब 27 प्लस की उम्र हो जाती है यूआर कैटेगरी में, तो वो सिर्फ इन्हीं वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस बार दोस्तों जो है आप बन सकते हैं, आपका सपना साकार हो सकता है, ठीक है। तो अपनी मेहनत दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से करते रहें, और ये आप जो है चार्ट देख सकते हैं, एएसओ में भी जाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विदेश मंत्रालय में दोस्तों 181 वैकेंसी, सीएसएस में 930 वैकेंसी, इनकम टैक्स की भी दोस्तों 411 वैकेंसी, ठीक है, सीबीआई की वैकेंसी आनी रहती हैं, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की आएंगी, दिक्कत लेने वाली टेंशन वाली बात नहीं है, और एईओ इन ईडी की भी वैकेंसी जो है आएंगी, ठीक है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है। और ये चार्ट दोस्तों आपको ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 24 के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में। तो आपको पता कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सीजीएल 22 के अंदर सिर्फ 78 वैकेंसी थी, 23 के अंदर 302 थी और 24 के अंदर 454, यानी कि नॉर्थ इंडिया लेने का भी इस बार अच्छा मौका है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि सीजीएल 22 के अंदर खासकर बात करूं तो 1113 वैकेंसी थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में थी, मुंबई के अंदर थी, ठीक है, चेन्नई के अंदर थी, तो यानी कि जो मैक्सिमम वैकेंसी थी क्या थी, साउथ इंडिया की तरफ थी। तो सीजीएल 22 में वो एक्साइज इंस्पेक्टर तो लग गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने को फील होने लग जाता कि काश मैं अपने होम स्टेट में या होम डिस्ट्रिक्ट में जो है नौकरी करूँ, उसमें आप इंस्पेक्टर बनोगे तो वहाँ पर आपकी एक सोशल रिस्पेक्ट भी होगी, ठीक है, मुंबई जैसे शहरों में दोस्तों थोड़ी सी कम होती, ठीक है। तो यानी कि अपने शहर में मज़ा ज़्यादा आता है नौकरी करने में, और चंडीगढ़ जैसा शहर तो दोस्तों द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जो फेमस है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर
तो इस चीज को आपने जो है देखना है। और यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 210 वैकेंसी है अकेले, ठीक है, 210 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की, जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए जो है आप रह सकते हैं यहां पर, ठीक है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार किसकी है दोस्तों, चेन्नई के अंदर है 572 वैकेंसी, दूसरे नंबर पे जो है कोलकाता है, और उसके बाद जो है वडोदरा है, गुजरात, गुजरात भी दोस्तों बहुत अच्छा जो है क्योंकि वहां पर एक्साइज और कस्टम दोनों हैं, यानी कि जो बाहर से माल आता है उसको भी जो आप पकड़ सकते हैं 288। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात है कि यूआर कैटेगरी की इसके अंदर 0 वैकेंसी है, लेकिन चिंता मत करो, यूआर कैटेगरी वाले दूसरी जो जगह जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, किस जोन के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं एनालिसिस आपको पुराना बता देता हूं, ताकि आपको चीजें जो है थोड़ी सी समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, 2019 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी थी, लगभग 2200 वैकेंसी थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, ठीक है, और टोटल 4200 और 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी थी 3750, ठीक है। और इस बार दोस्तों सीजन 24 के अंदर टोटल जो है इस बार कितनी है, लगभग 5500 के आसपास जो है ये वैकेंसी, इससे प्लस ही है मतलब, ठीक है, यानी कि 6000 के आसपास है। तो यानी कि वैकेंसीज इस बार जो है काफी अच्छी है 2019 के मुकाबले। 2019 में चंडीगढ़ जोन में दोस्तों एक्साइज इंस्पेक्टर की यूआर कैटेगरी 107 वैकेंसी थी, और 2024 के अंदर यूआर कैटेगरी की चंडीगढ़ जोन में 52 वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो है एएसओ सीएसएस की वैकेंसी 127 थी, इस बार कितनी है 930 है, यानी कि इन चीजों का इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। एमई की दोस्तों 77 वैकेंसी थी, इस बार कितनी 181, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 208 थी, इस बार कितनी है 411, यानी कि इन चीजों का भी इफेक्ट जो है क्या पड़ेगा अपने इस रैंक के ऊपर पड़ेगा, यानी कि रैंक जो अपनी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि उस टाइम जो वैकेंसी दोस्तों 107 थी, तो चंडीगढ़ जोन मिला था 1253 रैंक तक, 1215 रैंक तक जो है मिला था, यानी कि 1200 के आसपास जो है रैंक तक चंडीगढ़ जोन जो है मिला था, और दिल्ली मिला था उस टाइम जो है 527 रैंक तक, 105 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की, ठीक है। मैंने काफी एनालिसिस दोस्तों इस चीज के ऊपर करता हूँ, कहीं नहीं ऐसा नहीं कि एकदम से कोई चीज लिखी जाती है, 2019 का भी किया, 20 का किया, 21 का, 22 का, 23 का, कई सारी चीजों का निचोड़ निकल कर जो है आता है। तो दिल्ली के दोस्तों 2023 के अगर मैं बात करूं, जिनकी पहली प्रेफरेंस थी, यानी कि 2389 में से इनमें से दोस्तों 738 लोगों की प्रेफरेंस थी दिल्ली, और चंडीगढ़ प्रेफरेंस कितनी थी, पहली प्रेफरेंस सिर्फ 45 लोगों की, यानी कि दिल्ली को दोस्तों एक्साइज इंस्पेक्टर लगना कितना चाहते हैं, ये आप जो है यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। और जयपुर की भी दोस्तों मैं आपको बताऊं 367 के आसपास, यानी कि सेकेंड नंबर पर जयपुर था, ठीक है। ये मैं एक अलग से बनाऊंगा एक वीडियो में कि कौन से जोन को कितनी डिमांड सबसे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि दिल्ली और चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर चंडीगढ़ की दोस्तों पहली प्रेफरेंस 45 क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन ये है, मैं आपको बता देता हूं। ये दोस्तों मैप है अपना, यहां पर होता क्या है कि जैसे जो कैंडिडेट राजस्थान के हैं, यहाँ इस एरिया के हैं, लखनऊ के हैं, वो क्या करते हैं, या तो वो यहां से दिल्ली जाते हैं, यानी कि ऐसे दिल्ली जाते हैं, नहीं तो फिर ये क्या करते हैं, राजस्थान वाले जो इधर वाले हैं वो वडोदरा जाते हैं या फिर भोपाल चले जाते हैं। ये वाले भी लोग भी दोस्तों तो भोपाल आ जाते हैं और फिर आगे जो है मुंबई के रास्ते यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला एरिया है, ये वाला सारा एरिया यहाँ पर जो है आता जाता है। यहां पर दोस्तों जो है कम लोग जाते हैं, फिर भी राजस्थान के लोग बहुत आते हैं चंडीगढ़ जोन में, क्योंकि चंडीगढ़ जोन क्या है, एक बड़ा जोन है, इसमें क्या पंजाब भी आता है, सबसे ज्यादा वैकेंसी एक्साइज इंस्पेक्टर की पंजाब के अंदर ही होती है चंडीगढ़ जोन में, ठीक है। पंजाब में फिर जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये इस चंडीगढ़ जोन में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहां से लोग सोचते हैं कि कहीं मेरी जम्मू कश्मीर ना हो जाए, ठीक है, कहीं मेरी इतनी दूर ना हो जाए, तो इसे वो क्या सोचते हैं, मुंबई में भी जो है उनकी प्रेफरेंस रहती है, ठीक है। इसका कारण ये है, क्योंकि मैं 2021 से दोस्तों पोस्ट फ्रेंड्स की गाइडेंस भी दे ही रहा हूं कि आपको कौन सी प्रेफरेंस जो है पहले सबसे पहले भरनी चाहिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इन चीजों से दोस्तों मुझे वैसे भी आइडिया आ गया कि कौन किसको चाहता, जैसे वेस्ट बंगाल बिहार वाले ये क्या करते हैं, कलकत्ता चाहते हैं, या फिर ये क्या है भुवनेश्वर को भी इजीली जो है ये जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों में दोस्तों बहुत कंफर्टेबल होते हैं बिहार रांची के लोग, ठीक है। तो ये वाले चीज है, और बाकी तो और वैकेंसीज फिर दोस्तों चेन्नई में सबसे ज्यादा, ये आप देखेंगे इसको कोई नहीं चाहता है, ठीक है, इसको कोई नहीं चाहता है। बेंगलोर है, ये वाला एरिया है, हैदराबाद है,
हैदराबाद भी च्वाइस में रह जाता है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है हैदराबाद, ठीक है। बाकी दोस्तों चिंता मत करो, मैं आपको धीरे धीरे करके जो सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा ताकि आपको जो है स्टडी के साथ साथ में कुछ चीज़ें पता लगती रहें, ठीक है। जब भी आप फ्री हो, मैं ये नहीं कहता कि आप स्टडी टाइम निकाल के फिर आप देखो, आपको जो है जब आप फ्री हो कहीं पे खाना खा रहे हो, थोड़ा सा घूमने कर रहे हो, तब जो है आप जो है देख लें, सुन सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये आपकी मिनिमम कट ऑफ है सीजीएल और रेस की जो 310 नंबर पर जो है गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उस टाइम 2023 में सिर्फ 8 वैकेंसी थी चंडीगढ़ जोन के अंदर। यूआर कैटेगरी की 2 वैकेंसी थी, 174 रैंक तक मिला था। ओबीसी की 3 वैकेंसी थी, 1171 रैंक तक मिला था। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी। एससी की 2 थी, 5805 तक मिला था, और एसटी की 5872। यानी कि क्योंकि एसटी जो कैटेगरी वो ज़्यादातर जो है इस साइड एरिया में नहीं है, जो चंडीगढ़ वाला एरिया इस साइड में एसटी कैटेगरी के लोग कम है, ठीक है। तो कट ऑफ दोस्तों इसकी गई थी 330 नंबर पे, मिनिमम कट ऑफ 310, यानी कि 20 नंबर जिसके ज़्यादा थे उसको मिला था। ओबीसी 319, एससी की दोस्तों 300 और एसटी की भी 300। इस बार दोस्तों कितनी हैं, 119 वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी हैं। तो यूआर कैटेगरी की आप देखेंगे कि 52 वैकेंसी, पिछली बार 2 वैकेंसी थी, 50 वैकेंसी ज़्यादा होगी। 1200 रैंक तक दोस्तों ईजिली मिल जाएगा, ठीक है, ईजिली मिल जाएगा। हो सकता है 1300, 1400, 1500 तक भी चला जाए, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उस टाइम जो है देखेंगे माहौल क्या कुछ है, ठीक है। ओबीसी में दोस्तों 22 वैकेंसी हैं, 2800 रैंक तक इजिली मिल जाएगा। 14 वैकेंसी हैं, 2600 रैंक तक मिल जाएगा। 23 वैकेंसी दोस्तों एससी की 6800 रैंक तक मिल जाएगा, और 8600 रैंक तक जो है ये आपको मिल जाएगा। कट ऑफ दोस्तों अगर मैं बात करूँ पिछले इसके हिसाब से तो लगभग 318, 310 ये जो वाली कट ऑफ जिसके नंबर आ जाए इस जैसा पेपर के अंदर, तो वो आराम से जो है इस बार ले सकता है। यानी कि नॉर्थ इंडिया पाने का, या फिर अपने जैसे हरियाणा वालों के लिए क्या है कि वो चंडीगढ़, उनकी प्रेफरेंस दिल्ली रहती, क्यों, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर जो है दिल्ली जोन के अंदर जो है हरियाणा आता है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में चंडीगढ़ जोन में हरियाणा आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने जो है उस टाइम ध्यान रखना, क्या कुछ है, कितने कुछ मार्क्स हैं आपके, क्या कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों स्टडी कंटिन्यूस बनाए रखें, और एडमिट कार्ड वगैरह भी आ गए हैं। तो ये अपना दोस्तों जो है व्हाट्सअप चैनल बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा टेलीग्राम को हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए टेलीग्राम में इन फ्यूचर में, तो ये बड़ी 6K यहाँ पर है, 7K मेंबर हो चुके हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कौन सी वीडियो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।